तो ईवीएम की आपने बात की, तो ईवीएम को लू लग गई थी उत्तर प्रदेश में, आपको याद है केरला का जब चुनाव हुआ था तो लू लग गई थी ईवीएम को कई जगहों पर, तो ठंड ठंड भी लगेगी ईवीएम को, और नवंबर में ठंड शुरू हो चुकी होगी, बर्फ गिरना शुरू हो चुका होगा, चूंकि मानसून लंबा खिंच गया है और जल्दी ठंड आ गई है तो बर्फबारी भी जल्दी शुरू हो जाएगी, तो ठंड लग जाएगी, तो वो ठंड से जो है वो बचाने के लिए दिसंबर तक जो है वो फ्रिज में रहेंगी थोड़ा ईवीएम मशीनें, तो इसलिए ये भी है मामला, इसलिए थोड़ा लंबा खींचना पड़ा है चुनाव आयोग को। दूसरा मुझे लगता है कि चुनाव आयोग जो भारतीय जनता पार्टी से कोई दुश्मनी निभा रहा है। अब देखिए हमारे चार सीनियर्स यहाँ बैठे हुए थे और चारों का एक मत था कि जनता के बीच संदेश गलत जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी गुजरात में जो है चुनाव में हार रही है या उसके लिए ज़्यादा समय चाहिए, इस तरह की चीज़ें हैं। और ये हम लोग जो बात कर रहे हैं सभी यहाँ बैठे हुए, वो सब जनता की बात कर रहे हैं, हम अपने मन की बात नहीं कर रहे हैं, जनता में जो संदेश जा रहा है वो कह रहे हैं। तो चुनाव आयोग ने ऐसा काम क्यों किया कि जनता के मन में जो है गलत बात जाए कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, जबकि आप जानते हैं कि मोदी जी का सीना 56 इंच का, वो नहीं डरते हैं, वो हर समय चुनाव प्रचार में ही रहते हैं, 24 घंटा सातों दिन 365 दिन जो है वो चुनाव प्रचार में ही रहते हैं, तो उन्हें किस बात का डर है भाई। आज भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं, 3 महीने बाद भी चुनाव प्रचार करेंगे, 2 दिन बाद भी चुनाव प्रचार करेंगे, और चुनाव प्रचार में ही है वो 24 घंटे। देश का काम तो वो जब फाइलें जब निपटाते हैं, जब दस्तखत करते हैं, उसी समय प्रधानमंत्री होते हैं, ये तो वो स्वयं बता चुके हैं कि वो प्रधानमंत्री तभी होते हैं जब वो सिर्फ फाइलों पर दस्तखत करते हैं। अब प्रधानमंत्री के पास फाइलें जाती ही कितनी है ये भी आप सब जानते हैं भाई, साल दो साल में 10-20 फाइलें जाती होंगी जिसमें प्रधानमंत्री दस्तखत करते होंगे, बाकी तो नीचे के लोग सब दस्तखत करके निपटा लेते हैं जो लगाए गए हैं दस्तखत करने के काम पे, तो ये सब हो जाता होगा। ये जो मुझे लगता है चुनाव आयोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी से कोई दुश्मनी इस तरीके की निभा रहा है, मुझको ऐसा लगता है। अब राजीव जी इसके पीछे खेल एक और होगा जो खेल मुझको दिख रहा है, क्योंकि फरवरी तक का समय है नई विधानसभा बनने का गुजरात में, तो ये भी तो हो सकता है कि वो फरवरी के पहले हफ्ते में चुनाव करा लिए जाए गुजरात में, क्या दिक्कत है। इसके बहाने दो काम होंगे, गुजरात से हिमाचल का भी प्रचार होगा और गुजरात में जो है वो 3-4 महीने लंबा चुनाव प्रचार होगा, तो एक अच्छी बात होगी, टैक्स पेयर का पैसा जो है वो उद्घाटनों पे खर्च होगा, और जो जिन स्कूलों के अस्पतालों के उद्घाटन हो चुके हैं उनका तीसरी बार चौथी बार फिर उद्घाटन हो जाएंगे, दिक्कत क्या है। वैसे ही मंदी आने वाली है, मंदी चल रही है, महंगाई बढ़ रही है, तो सरकार को खर्च करना होता है, जब मंदी की आहट होती है, मंदी आ रही होती है तो अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए, तो अब चूंकि वो नए उद्योग तो कोई लगाने नहीं है, नई नौकरियां निकालनी नहीं है, तो टैक्स पेयर्स का पैसा जो है वो चुनाव प्रचार पे इसी तरीके से खर्च किया जाए, तो मंदी से कुछ लोग उभरेंगे, अखबारों को विज्ञापन मिलेंगे, टीवी चैनल्स को विज्ञापन मिलेंगे, उनकी मंदी कुछ दूर होगी, सुबह से शाम तक जो है वो कीर्तन राग जो है टीवी चैनल्स के, तो ये सब काम होगा। तो चलिए हम लोगों को तो विज्ञापन है कोई नहीं देता, ना भारतीय जनता पार्टी देती ना कांग्रेस देती, कोई नहीं देगा, मगर जिनको मिलते हैं उनका तो काम कुछ ठीक ठाक चल जाएगा, तो मतलब उनसे दुश्मनी किस बात की हम लोगों की भी, जिनको मिल रहे हैं मिलते हैं उनको, तो 4-5 महीना इसी में सब चलेगा, वो चुनाव खर्च में भी नहीं जुड़ेगा। और दूसरी बात कि चूंकि वहाँ आप देखिए वो एक वो कौन है, इटालिया है कि इटालियन है, कौन है जो नए लाए गए हैं, मुझे लगता है वो चुनाव के बाद कपिल मिश्रा से ज्यादा वाले नेता होंगे भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि कपिल मिश्रा ने जिस तरीके से मोदी जी के लिए सुवचनों का इस्तेमाल किया उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के आज वो बड़े नेता हैं, उसी तरीके से बताया जाता है इटालिया जी भी कुछ कर रहे हैं इसी तरीके शब्दों का इस्तेमाल, तो मैं मुतमईन हूँ कि इटालिया जी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता होंगे इस विधानसभा चुनाव के बाद, तो लाएगा इस तरीके से। अभी तो हम आदमी पार्टी के हैं, हाँ अभी तो हैं, लेकिन कोटियाल साहब भी तो जा चुके ना उत्तराखंड में, जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री पद के, तो इटालिया साहब भी जाएंगे, आम आदमी पार्टी देखना ये, जी आम आदमी पार्टी के से, तो अब देखना ये है कि ये कोटियाल और इटालिया और अरविंद केजरीवाल इनमें से कौन जो है वो भारतीय जनता पार्टी में अपनी सीनियरिटी बना पाता है, तो ये देखना होगा, इसमें थोड़ा लंबा समय लगेगा, चूंकि मुझे लगता है सबसे जूनियर अरविंद केजरीवाल रहेंगे, वो सबको भेज करके उसके बाद फिर जो है वो उस प्रयास इसके लिए करेंगे। जी राजीव जी फिर आगे चर्चा करेंगे। जी तो गोपाल इटालिया की आप बात कर रहे थे, कल गिरफ्तार हुए थे और फिर उसके बाद छोड़ दिए गए, लेकिन